नेहा पब्लिक स्कूल के नाम से मेरा स्कूल है, ये फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक है। वीडियो जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था, और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से, और ये जो हमारे स्कूल में तो ज्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम है, तो उस दिन जो हुआ था ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो, तो मैंने सोचा उनका मैं विकलांग हूँ मेरे से उठा नहीं गया, और ज्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज्यादा ही वो किया क्योंकि दो महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था, तो मैंने जो है उसे दो चार बच्चों से उसको कहा कि दो चार बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा, और बस उनका जो है एक चाचा बैठा था वहीं, उसका चाचा जो बैठा था वो मुझसे बात भी कर रहा था और वीडियो बना रहा था, तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मोमडन माई हैं वो अपने बच्चों को मामाओं के यहाँ मत लेके जाओ क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और बच्चा जो है एग्जाम नहीं दे पाता हमारे स्कूल का लॉस होता है पढ़ाई का, बस मैंने ये लाइन बोली थी, तो उन्होंने काट पीट के उस लाइन में एक मोमडन वर्ड तो रखा और उन्होंने सारा काट दिया, और मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं तो सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ और हैं भी सारे अपने बच्चे, टीचर के लिए तो सब अपने बच्चे होते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हमारे स्कूल से निकले, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता और ना ही मैंने ऐसा किया और ना कभी ऐसा सोचा मैंने, क्योंकि ये भी अपने बच्चे हैं, हमारे स्कूल में 50-60 बच्चे हैं, हम 5 साल से स्कूल चला रहे हैं। बस साजिश ही बोली जाएगी, ये तो कुछ पता ही नहीं चला क्या किया इन्होंने, मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरा तो इंटेंशन था ही नहीं है, इसलिए मैंने तो कोई छानबीन भी नहीं की, मुझे तो बाद में पता लगा कि इस तरह से वीडियो वायरल है। हाँ ये वैसे है, ये तो गलती हुई है मेरे से, इस चीज के लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, गलती तो हुई है।